भागमाय ठाकुर साहब, आपने मोड़ी के सर पे हाथ जो रख दो। अभी खो हमारे संग भेज दो। हाँ चलो चल रे मोड़ी, चल चलो मौज करो। अबे तक कहाँ छपा के रखी थी तुमने जाप सरा? अरे मालिक आपके लाने ही तो सहज के रखी थी मोड़ी, आपने सर ढकाई जो कर दो, और क्या चाहिए गरीब को। जा मौज करो। मालिक एक टुकड़ा जमीन का मिल जाता तो हमारी जिंदगी भी पटरी पे आ जाती ना। तो भाई यही आदत हमें बहुत बुरी लगत, मौका मिला नहीं हाथ फैला के खड़ा होगा। मालिक अब तो आपके ही टुकड़ों पे पलना है अब तो। ठीक है जाओ। अबे हम आओ अप्सरा को स्वाद चकवे को मन कर रहा। ठाकुर साहब सर ढकाई वाली लड़की भाग गई। ठाकुर साहब चलो बैठो गाड़ी में, ढूंढो से, जहां मिलेगी ना वहीं प्रोग्राम बनाएंगे। लाने भाग क्या है? हमें धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतने आएगा? बिया करेंगे, तुम्हारे संग घर बसाएंगे। एक रस्म सर ढकाई की, सर ढकना यानी किसी को इज्जत देना, किसी के सर पर आसरे का हाथ रखना। लेकिन क्या यही अर्थ था इस रिवाज का? यहाँ एक लोक नृत्य की आड़ में एक पैसे वाला व्यक्ति एक लड़की के सर पर ओढ़नी रख देता है और वो लड़की उसकी हो जाती है। पारंपरिक लोक नृत्य के नाम पर आज भी हमारे देश में औरतों को खुलेआम बेचा और खरीदा जाता है। दरअसल ये नृत्य होता ही इसलिए है कि उन औरतों को देख कर पैसे वाले व्यक्ति के मन में लालसा जागे और वो उस लड़की की कीमत दे। और हैरानी की बात यह है कि इस समाज में इसे मान्यता दी जाती है और यहाँ की लड़कियां भी इसका विरोध नहीं करती। संगीता हिम्मत दिखाकर वहां से भाग तो निकली थी, लेकिन आगे उसके जीवन में क्या लिखा था ये खुद उसे भी नहीं पता था। हेलो, हाँ गुप्ता जी बोलिए। क्या 3 दिन से मकान बंद है और बदबू भी आ रही है? हेलो पुलिस स्टेशन, फोन किसने किया था यहां से? सर मैंने किया था, ये मेरा ही मकान है, अंदर से दरवाजा बंद है। सर तोड़ दो दरवाजा। ओके सर। Thank you.
चौहान सर, घर की तलाशी लो। ओके सर। अंदर से ये फोन मिला है लेकिन बंद है। मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की लेकिन लगता है डिस्चार्ज है। इस फोन को चार्ज करो और इस नंबर की सारी डिटेल्स मंगवा। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। और सर, बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से इसे तेज धार हथियार से मारा है। और घर की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर लूटपाट के इरादे से आया था। इसने विरोध किया होगा तो उन्होंने इसे मार दिया होगा। मगर सर, दरवाजा अंदर से बंद था और घर में फोर्स एंट्री की कोई साइन नहीं है। आस पास के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने यहाँ किसी को आते हुए देखा हो। ओके सर, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजूँ। ठीक है सर। सुधीर कुमार है सर किराएदार का नाम। 7 साल से वही रहता है अपनी बीवी और बेटे के साथ। पड़ोसी गुप्ता जी का फोन आया था, बोल रहे थे 3-4 दिन से मकान बंद है और बदबू भी आ रही है, इसलिए मैंने सुधीर को फोन किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किराए का एग्रीमेंट है आपके पास? सर बनवाए नहीं क्योंकि किराया टाइम टू टाइम आ जाता था सर। पुलिस वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट, ये सब कुछ आप लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन आप लोग इन चीजों की अहमियत समझते नहीं। एक 7-8 साल का बेटा भी उनका गोलू, लेकिन 3-4 दिन से वो भी नहीं देखा। 7-8 साल का लड़का है तो स्कूल तो जाता ही होगा ना। कहाँ, ये लोग उसे स्कूल कहाँ भेजते थे और इन लोग की किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। पता नहीं क्या अंदर ही अंदर गुटरगूं किया करते थे। अच्छा, ये सुधीर काम कहाँ करता है? सर काम का तो पता नहीं, लेकिन ड्राइवर है, कभी टेम्पो कभी ट्रक वगैरह चलाता है, लेकिन पिछले 15-20 दिन से तो खाली था, कोई काम नहीं उसके पास में। और सर इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। कछु पैसे वैसे भी लाए हो या खाली पीकर आ गए हो? का कर ले, जब कछु काम धाम नहीं है तो कहां दे रहा पैसा? जे काम छूट गया था तो दूसरा ढूंढ लेते ना। पीने के लिए ना पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन दाल चावल के लाने नहीं। अरे तक कहे नहीं मान लेती, हम कछु गलत कह रहे का? जे हमसे नहीं होगा, जगदी जैसे लोगों के साथ रहोगे यही कुछ सुनने को मिलेगा। हम कह देते जगदी जैसे लोग हमारे घर में नहीं आएंगे। अच्छा, तब तक हमको बताएगी कि घर में कौन है और कौन नहीं है? बताएगी हमको ना? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इनके किसी रिश्तेदार का आना जाना है? सर रिश्तेदार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक दोस्त जरूर है जगदीश, उसका इनके साथ आना जाना था, लेकिन पिछले 15-20 दिन से तो वो दिखा भी नहीं। सुना इनके बीच में कोई मारपीट भी हो गई थी। क्या नाम बताया? जगदीश। जगदीश कहाँ काम करता है? पास में एक शराब की दुकान है, वही काम करता है वो। जगदीश यही काम करता है? यस सर, यही काम करता है। 3-4 दिन से आया नहीं है, उसको फोन भी लगाया, फोन उठाता नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस दीजिए। सर सुधीर के घर पे जो फोन मिला था उसे चार्ज किया, उसका नंबर है 444-555-6622। और सर ये वही फोन नंबर है जिसपे मकान मालिक राजेंद्र ने फोन ट्राई किया। मतलब वो सुधीर का ही मोबाइल? यस सर। सुधीर अपना मोबाइल घर छोड़कर गया। जवान एक काम करो सर, सुधीर और उसके बच्चे की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करो। अगर सुधीर भोपाल में छिपा हुआ है तो उसे उसकी बिल से ढूंढकर बाहर निकालेंगे। अरे कौन है? अरे रुक जा भाई रुक जा। पुलिस साहब क्या हुआ सर? चल थाने बताते हैं क्या हुआ, लेकर चलो इसे। चल साहब बात तो सुनिए आप मेरी। सब मेरा कुछ नहीं किया। पार्टी का इंतजार कर रही थी साहब,
मजबूरी में करती हूँ साहब, जाने दो ना साहब, जाने दो। लेकर जाओ इसे। सब छोड़ दो साहब, जाने दो साहब, सब छोड़ दो साहब। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा चौहान। सुधीर तेरा दोस्त है ना? हाँ सर। तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? सर बोल। सर सर दोस्त है हमारा, मानो उस दिन ऐसी कछु बात हो गई कि हाथ उठ गया सर हमारा। अच्छा बुरा वक्त सभी पर आउत है, पर वो हमको बोला कि धंधा करता है ना तू, तो हमारे लाने भी एक काम कर। हम जे काम ना कर सके का तू? ज्यादा चढ़ गई है का हैं? ये तो ही बैठा रहे शांति से, साला बीवी से धंधा कराएगा। अरे तू दोस्त है हमारा, जिगरी दोस्त, एक के लाने छोड़ दिया नहीं तो अभी तक हाथ उठ जाते हमारे। हमारे पे हाथ उठाएगा तय, एक का हुआ हम पे हाथ उठाएगा तय। अरे देख हम पे हाथ उठाएगा तय। देख तेरे पे ज्यादा हो गई है, ज्यादा चढ़ गई तेरे पे, हट हट हाथ छोड़ साला। तू बीबी की दलाली खाएगा हैं? बीबी का दलाल बनेगा साला, साला। सच सच बता दे, कहीं कहानी तो नहीं सुना रहा है तू? माता की कसम सर, सच्ची बोल रहा है। सुधीर काम करता है ना? हाँ सर। कहाँ? शर्मा रोड ट्रेवलर में काम करता सर, टेम्पो और ट्रक चलाऊ थे वो, पर सर उनको काम पर से निकाल दो। शर्मा ट्रेवल्स का ऑफिस कहाँ है? सच्ची बता रहे सर, हमें कछु नहीं मालूम। जॉन सर इस पर सेक्शन 375 लगाओ, इसे अंदर करो। ओके सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर सर अंदर मत कीजिए सर, हमको बर्बाद हो जाएंगे हम। सर 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 अरे सर, हो सकता है कि ये जगदीश सच कह रहा, क्योंकि पति पत्नी के बीच झगड़े की बात पड़ोसी ने भी कही थी, और उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि सुधीर कुछ गलत काम करने के लिए कह रहा था, और सर मारपीट भी की थी उसने अपनी पत्नी संगीता के साथ। सर हो सकता है कि सुधीर संगीता को वैश्यावृत्ति में लगाना चाहता, संगीता ने मना कर दिया और फिर सुधीर ने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया और फिर बेटे को लेकर कहीं भाग गया। हो सकता है, लेकिन ये हमारा सिर्फ एक अनुमान है। चौहान एक काम करो सर, पता करो ये संगीता और सुधीर कहाँ के रहने वाले हैं, और शर्मा ट्रेवल्स में जाकर पूछताछ करो। सुधीर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा, और संगीता के परिवार के बारे में पूछताछ करो, कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगा। ओके सर। जाओ। आज तो बड़ा ही मनहूस दिन रहो, एक भी ठाकुर ने सर ढकाई नहीं की आज तो हम क्या करें? अरे एक दिन हम चैन से सोए तो कोनो परेशानी है का तुमको? तुमको तो बस पैसा 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 नजर आता है, अपनी बहन नहीं। अरे महारानी हम तो बस बस, अब जिज्जी भाग गई तो हमसे का डबल काम करवाओगे? जाओ हमारे लाने मिठाई लेके आओ। तो जे हुई ना बात, हम अभी लेके आते अपनी बहना के लाने मिठाई। रात हो गई, सगला बाजार बंद हो गो। अरे तो क्या होगा, अपनी बहना के लाने हम अभी दुकान खुलवा देवे, तुम आराम से बैठो ठीक है? मौत 3 दिन पहले हुई है, किसी तेज हथियार से उसके पेट पे बार बार वार किया गया, और कंधे पे और हाथ पे कुछ स्ट्रगल मार्क्स भी हैं। डॉक्टर कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एविडेंस नहीं है बॉडी में। थैंक यू डॉक्टर। ओके।
यहाँ पर कोई सुधीर कुमार नाम का ड्राइवर काम करता था क्या? सुधीर कुमार जी? नहीं तो इस नाम का कोई ड्राइवर नहीं था। यह है सुधीर कुमार, ध्यान से देखिए, शायद आप इसका नाम भूल रहे होंगे। ये सुधीर नहीं, ये तो चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश? जी हाँ। इसके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी होगी क्या आपके पास? बिल्कुल, क्या आप दे सकते हैं? जी हाँ सर, सुधीर कुमार के ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम है चंद्र प्रकाश भट्टी। सर इस पे एड्रेस भी भोपाल का ही है, और जहाँ का एड्रेस है वहाँ पर 8 साल पहले झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है, इसलिए और कुछ पता नहीं चल पाया। सर सब इस आदमी को सुधीर कुमार के नाम से जानते थे, और अब इसका एक ही डॉक्यूमेंट मिला है जिसपे इसका नाम है चंद्र प्रकाश भट्टी, और सर इसके घर में और कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं, तो पता कैसे करेंगे कि इसका असली नाम कौन सा है? सुधीर उर्फ चंद्र प्रकाश लापता था, और पुलिस के शक के दायरे में उसका नाम सबसे ऊपर था। उसकी तलाश जारी थी। पुलिस संगीता और सुधीर के परिवार और रिश्तेदारों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई खास लीड नहीं मिल पाई थी कि तभी एक दिलचस्प मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी। हेलो, कौन, कहाँ है तू? हाँ हाँ ठीक है, तू घर आ, मैं आता हूँ अभी। हेलो, सुधीर या फिर चंद्र प्रकाश, जवान सर लेकर चलो ऐसे। चलो बताते हैं कहाँ। क्या कर दो भगवान, अब तो हमारी पत्नी को छीन लो, हमारा घर संसार उजड़ गया, हमारी संगीता। हो गया नाटक। चल अब ये बता कि क्यों मारा संगीता को। देखा करे हम हमारी पत्नी को काहे मारे, हमें तो इतने आगे पता चलो। तो इतने दिन कहाँ था तू? राजस्थान डिलीवरी को काम का। एक बार हमको हमारी पत्नी से मिला दो, बाद में मिल लेना। पहले ये बताओ कि जब तुम राजस्थान गए थे तो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के क्यों गए थे? हमारी पत्नी के पास फोन नहीं था तो हम अपना फोन घर पे छोड़ गए थे। साहब इतना लंबा कभी गए नहीं थे, हम सोचे फोन होते उसके पास रहेगा तो बात हो सके, अगर आप हम पे कौन सको तो ये आर आर रोड बीच में आप बात कर लो, हमने तो कितनी बार ट्राई करो लेकिन संगीता का फोन ना लगो, तो हमने अपने मकान मालिक को फोन कर लो। हेलो हेलो राजेंद्र भाई। कौन? हम सुधीर बोल रहे हैं। कहाँ है तू? राजस्थान गए थे, अभी लौटे। वो संगीता का फोन नहीं लग रहा। तेरी बीवी का फोन नहीं लग रहा है? नहीं, हमने सोचा आपसे पूछ ले, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू घर पहुंच, मैं आ रहा हूँ। घर आए तो आप लोग पकड़ के इधर ले आए, हम तो खुश थे कि इतने दिन बाद नौकरी मिली है, घर में पैसा आएगा, खुशहाली आएगा। हमें क्या पता था कि जे सब देखना पड़ेगा, हम अपनी संगीता को खो देंगे और उसी के हाथ में खुदा ही सफाई दे रहे होंगे। बहुत अच्छा नाटक कर लेता है तू, अचानक से तेरी नौकरी लग जाती है, अचानक से तुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है, और जानबूझ के तू अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के जाता है ताकि तेरी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। अपनी बीवी को मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था तूने। अब देख पुलिस के सामने नाटक मत कर। अरे अपनी बीवी से इतना ही प्यार करता तो जगदीश से उसको वेश्यावृत्ति में लगाने की बात करता तू? देखा कह रहे साहब, हम ऐसा कब्बो नहीं कर सकते साहब, हम अपनी पत्नी को धंधे में, अरे थी हम ऐसा कब्बो सोच भी नहीं सकते। वो जगदीश, अरे झूठ बोल रहा हूँ ऐसा। अब बंद कर अपनी ये नौटंकी। जब तेरे पास नौकरी नहीं थी, दारू पीता था और अपनी पत्नी को मारता था, तब कहां गया तेरा प्यार? जगदीश जैसा आदमी तेरा दोस्त था,
अब सच सच बता दे, वरना हमारे पास तरीके हैं सच उगलवाने के। बोल। काम धंधो सब छूट गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। ऐसे पेंशन में पी पा लेते थे साहब, और इसी में हूँ। जगदीश से मुलाकात हो गई साहब, हमारा यकीन मानो उसी कमीने का हाथ है। हमारी बीबी पे नजर थी उसकी। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे चला है घर की रस्ती। घर में है टकसाल और तू बाहर का दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ, तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो को धंधे पे लगा दे, एक रात का 3,000 दिलवा देंगे हम। हाँ, हमारी घरवारी को धंधा में बैठाएगा। माफ कर दे, हमने आप लोगों को सब सच बता दो। अब हमारी मोड़ी तो मिला दो, हमारी गुड़िया तो मिला दो। बिटिया, तेरी बिटिया भी है? पहले नाम फर्जी और अब ये नया ड्रामा। ये नाम बदलना हमारी मजबूरी थी, अब मोड़ी को मोड़ा बनाना भी हमारी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी, जरा हम भी तो सुने। हमारी जिंदगी की शुरुआत वही भंभोड़ी से, और उदय पास के गांव समासवाड़ा के हम रहने वाले थे, और सितारा भंभोड़ी की। सितारा? हाँ साहब, हमारी पत्नी का असली नाम सितारा। तूने खुद का नाम बदला, अपनी पत्नी का नाम बदला, बेटी को बेटा बनाया, ये क्या खेल है? कहीं गांव से खून तो नहीं करके आया? प्यार करके भागे थे हमारी सितारा के संग, वचन दिया था धोखा ना देंगे। 8 बरस पहले की बात है, हम वो सितारा भमोड़ी में रहते थे, और वहां के समाज में मोड़ी को नाचे और सरढकाई के लिए तैयार करे। सरढकाई? हाँ साहब, ये प्रथा है भमोड़ी गांव की, मोड़ी होए तो परिवार लड्डू बांटे, और मोड़ा तो छाती पीटे। मोड़ी तो कमाई का साधन, बचपन से ही नाच गाना सिखावे, और बड़े होके ठाकुर के सामने नचा के करा दे सरढकाई, और बदले में ठाकुर से मिले जायदाद रुपया पैसा जमीन। हमारी सितारा की सरढकाई थी, पर हम तो मोड़ी से प्यार करने लगे थे, सीधे सादे आदमी थे साहेब, सितारा के संगे ब्याह करना चाहते थे। और सितारा थी भमोड़ी से, भमोड़ी गांव की प्रथा के हिसाब से अगर हम सितारा के संगे ब्याह करते तो वाकी सरढकाई ना हो पाती। सितारा को एक भाई है, वो अकेला ने बहन जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। भमोड़ी में मोड़ी की शादी नहीं, वाकी सरढकाई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो गए। इते का कोई रसूख वाला ठाकुर आए के सरढकाई की रसम में दुपट्टा उड़ाए देते, वाके बाद ठाकुर की हर जरूरत पूरी करे, और बदले में रुपया पैसा वाके परिवार वालों को जमीन जायदाद सब मिलते। नाचना तो दिखावे भर की कला रह गई है साहब, इनकी भी अजबो कहानी है। जय अपनी मर्जी से नचनिया बनती है, सरढकाई में कमाई होगी, जय लालच से जिनके परिवार वाले खूब लाड़ प्यार से इनको पालते, जय मोड़ियों को ठाकुर से सरढकाई कराना और उन्हीं का बन के रहना आसानी से मान कमावे को साधन लगता है। और गाय ना लगे साहब, जवानी की दहलीज में कदम पड़ते ही रुपया पैसा गहनों से जब लदने लगे, इलाके के रसूखदार ठाकुरों के संगे नाम जोड़ के देखा जाने लगो, तो जे सब भी उनका स्वाद लेने लग जावे, जौन रात सितारा के सरढकाई में हम वाको लेके भाग गए, और इते भोपाल में आके बस गए, शादी कर ली, नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। बहुत डर डर के जी रहे थे साहब, समाज से भाग के आए थे, कौनों को पता चल जाता ना तो हमारी जान ले लेते। हमारी पहली संतान भाई मोड़ी,
जे बात कुंदन को पता चल जातो तो वाको लेके चला जातो बंबोड़ी। ए डर के लाने हमने मोड़ी को मोड़ा बना के रखो, स्कूल भी ना भेजे कि कभी कोनो को पता ना चल जाए कि हमारे मोड़ी है। हमारे गांव में मोड़ी सही मतलब है सब, मोड़ा ना चाहे कोई, मोड़ी कमाई है। लेकिन हम अपना मोड़ी को बुरी नजरों से दूर रखना चाहते थे। गांव में किसी के साथ कोई संपर्क था? नहीं साहब, हम दोनों ने अपने परिवार वालों से नाता तोड़ लो। तो किसी पर कोई शक? सितारा के भाई पर? वाको तो पता भी ना है कि हम भोपाल में। किसी और पर? जगदीश, वाकी बुरी नजर थी हमारी सितारा पे और वाको पता था कि हम 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। जाने का कर दो, हमारे पीछे हमारी सितारा के संग साहब। जगदीश वही लेके गवाह मैं मोड़ी को साहब, वही लेके गवाह मैं मोड़ी को। हम सच्ची कह रहे हैं साहब, वही लेके गया भाई मोड़ी को। सर इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, इसमें तो बच्चों को खिलौने और कुछ कपड़े हैं सर। सर हमारी मोड़ी के खिलौने सर, हमारी हमारी सितारा की साड़ी सर, हम नहीं आए सर। हमारी सितारा के लिए सब, हमारी मोड़ी के लिए सब लेके आए सर। मम्मी मुझे मेरी मम्मी के बाहर ले जा। वो छोटी सी बच्ची जिसे अब तक लोग गोलू के नाम से जानते थे, जिसके बारे में किसी को ये भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है, वो अब किसी अज्ञात जगह पर बंधक थी। कौन था उसके अपहरण के पीछे? और सुधीर ने अब तक जो कुछ भी बताया था, क्या वो सब सच था? उसकी और जगदीश की कहानी बिल्कुल अलग अलग थी। सच झूठ का खुलासा होना अभी बाकी था। सुधीर के बयान की जब पुलिस ने जांच की तो आरआर रोडवेज से पता चला कि 5 दिन पहले सुधीर राजस्थान ही गया था। सुधीर का बयान सही साबित हो रहा था, लेकिन शक के दायरे में अब भी सुधीर और जगदीश दोनों ही थे। उसी दौरान भोपाल से भमुड़ी के बीच इंटरस्टेट हाईवे पर एक और हादसा हुआ। अरे भैया शादी से पहले पहुंचा देंगे ना, बारात कब की पहुंच गई होगी। हम आपसे कहे थे ना ये ड्राइवर बहुत स्लो है, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे ये कहां से आया? अरे तो साफ कर दीजिए ना। एक्सीडेंट करा हुआ क्या? गाड़ी साइड में लगाओ और साफ करो उतर के। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अक्सर हाईवेज खाली रहते हैं और ऐसे ही हाईवेज को चुनता है ये अंडा गैंग। खाली सुनसान हाईवेज पर दिन दहाड़े लूटपाट करना आसान हो जाता है इन लुटेरों के लिए। गाड़ी के शीशे पर अचानक आकर गिरे अंडे के पीछे इतना बड़ा जाल हो सकता है ये समझने से पहले ही हादसा हो चुका होता है।
जुगनू और भूरा भी ऐसे ही लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। मुझे ये काम अंडा गैंग का ही लगता है। पिछली 5 घटना में इसी तरह से अटैक हुआ है, बच्चे बूढ़ों और औरतों पर अंडा फेंक कर। एक काम करो, अपने सारे खबरियों को इस अंडा गैंग के पीछे लगा दो, आस पास ही होंगे। बहुत भारी है कि ये तो कितने में बिकेगी? हम चुस्पे से पहले बाकी कीमत मत देख दल्ले भाई। भैया जी, आप इतने तरह सिम कार्ड और मोबाइल क्यों रखते हो? पुलिस को बेवकूफ बनाने के लाने करने पड़े हैं। सर सारे तौर तरीके अपना लिए हैं, लेकिन जगदीश ने अपना मुंह अभी तक नहीं खोला है। अगर उसने कुछ किया होता तो उगल देता सर। चौहान, उसे कोर्ट में पेश करो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो बनता ही है, प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाओ उस पर। कुछ दिन हिरासत में रखो उसे। और सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। सर उस घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, सुधीर, संगीता और एक बच्चे के अलावा और 2 अनजान लोगों के हैं, बाकी कोई लीड नहीं मिली है सर। और सर हमने सुधीर को उसकी पत्नी की बॉडी दे दी है, हम उस पर नज़र भी रखे हुए हैं, बाकी बच्चे के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। मम्मा घड़िया, हमारी घड़ी बेटा। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मुझे घर ले चलो। मम्मी सब ठीक कर देगी, रोते नहीं, उसे नहीं रोते, मम्मी है ना। मम्मी मुझे घर जाना है। सितारा की सरढकाई थी, हमारी जिंदगी की शुरुआत वही भंगोड़ी से, और उदयी पास के गांव समासवाड़ा के हम रहने वाले थे। प्यार करके भागे थे हमारी सितारा के संगे। सर सुधीर पे हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसका इस जुर्म में कोई हाथ होगा। इस जुर्म का मकसद चोरी नहीं था, मकसद था संगीता का खून और बच्ची को ले जाना। मर्डर और बच्ची को अगवा करने का मकसद सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक तो संगीता का भाई जिसने 8 साल पहले संगीता की सरढकाई करवाई, और दूसरा वो ठाकुर जिसने ये रस्म की, जिसने पैसे दिए। इतने साल बाद कोई क्यों लौटेगा? जोहान सर, जख्म जितना गहरा और पुराना होता है उसके निशान उतने ही गहरे होते हैं। रोज याद दिलाते होंगे उसके भाई और ठाकुर को, खासकर ठाकुर को। 8 साल से ये परिवार अपनी पहचान छुपा कर बैठा था, कितने खौफ में जी रहा होगा ये परिवार। 8 साल से अपने बच्चे को दुनिया के सामने तक नहीं आने दिया, हो ना हो ये सब भंबोड़ी की प्रथा से जुड़ा हुआ है। एक काम करो सर, भंबोड़ी चलने की तैयारी करो। ओके सर।
बिंदिया बिंदिया उठ, शाम को नाच है, चल जल्दी तैयार हो जा। भैया हमारी तबीयत ठीक ना है। अरे तो हम दवाई ला देते हैं ना, जामे कौन सी बड़ी बात है। अरे तू तो जानती है कि बड़े बड़े ठाकुर मालिक आने वाले हैं, और जे मौको हाथ से छूट गा ना तो क्या होगा हम सबका। हाँ हाँ ठीक है, तैयार होने में समय तो लगेगा ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे महारानी की इच्छा। अच्छा जे बताओ, दवाई के साथ कुछ मिठाई लाए खाए के लाने। से बात हुई, उन्होंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया और उनके आदमी कुंदन और जिम्मी ठाकुर पर नजर रखे हुए। गुप्ता, इस प्रथा को कोई रोकता क्यों नहीं? कैसे रोके, किसी भी लड़की को जबरदस्ती नचनिया नहीं बनाया जाता, वो अपनी इच्छा से इस प्रथा से जुड़ती है और सर्धकाई करवाती है। अब अगर कोई लड़की आकर शिकायत दर्ज नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके परिवार में ही सिखाया जाता है। लेकिन सर लड़कियां ये क्यों नहीं समझती हैं कि उनका शोषण हो रहा है? देखिए जैसे स्कूलों में बच्चों को ABCD सिखाई जाती है और वो सीख जाते हैं, ऐसे ही यहाँ लड़कियों को बचपन से नाचना और बेटों को ढोलक बजाना सिखाया जाता है। जैसे बाकी समाज में लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें काम करना है और घर की जिम्मेदारी उठानी है, यहाँ बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में भर दिया जाता है कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए और घर चलाने का एक यही तरीका है। तभी तो सरढकाई की रस्म पे कोई शर्म नहीं करता, बल्कि लड़की और उसका परिवार इस पर गर्व करता है। इंस्पेक्टर गुप्ता, जो दो नाम हमारे केस में सामने आए हैं वो है एक लड़की का भाई कुंदन और दूसरा जिमी ठाकुर। कितने साल पुरानी बात है? करीब 8 साल पहले भागी थी वो। ठीक है, पता करवाते। नमस्कार साहब, तब एक बहुत ही जरूरी खबर देनी है। सब अपने ही लोग हैं, पुलिस वाले हैं, बताओ। साहब अंडा गैंग है ना, परसों एक और हमला प्लान कर रही है। सब भाई आए वे पे। पक्की खबर है? आज तक कब पहुंचा खबरी ने यहाँ पे गलत खबर दी है का? ये वही अंडा गैंग है ना जिसने कुछ दिन पहले एक पूरे परिवार को मार दिया था। आई वही गैंग है, इस गैंग ने बहुत दहशत मचा रखी है। इतनी जल्दी कहा है भैया, अभी तो पिछला वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ है, आगे मुसीबत में फंसना जाओ, चप्पे चप्पे में पुलिस होगी। अरे अगर पुलिस से डरने लगे ना तो जो धंधा ही बंद करना पड़े। भमोड़ी गांव की रहने वाली और पारंपरिक नृत्य करने वाली सितारा का भोपाल में हुआ मर्डर और हाईवे पर हुई रॉबरी, ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जहां एक तरफ भोपाल पुलिस को ये अंदाजा था कि संगीता की मौत की कड़ी भमोड़ी गांव से जुड़ी है, वहीं दूसरी तरफ भमोड़ी पुलिस को ये पता चल चुका था कि अंडा गैंग का अगला प्लान क्या है। पुलिस अंडा गैंग को पकड़ने के बहुत करीब थी। उधर उस बच्ची गुड़िया की जान को खतरा था जो एक बेहद क्रूर हत्यारे की कैद में थी। क्या पुलिस गुड़िया को बचा पाएगी और संगीता के हत्यारों तक पहुंच पाएगी? इस सब का खुलासा हम करेंगे कल रात 10:30 इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, जिसमें हमारे साथ होंगे मशहूर फिल्म अभिनेता
रणदीप हुडा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.